नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम डीआरडीओ सेप्टम 10 एंड यूपीपीसीएल टीजी 2 दोनों एग्जाम्स के लिए नॉन टेक के क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो में आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले हमने 6 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, ये आज का 7वां पार्ट है। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। आई होप आप कुछ नया जरूर सीखेंगे, और यदि क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे तो आपके पास 500 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने एक डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी 2 और आईटीआई बेस्ड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नॉन टेक की बुक जारी की है। ये पीडीएफ फाइल है जो आप हमसे ले सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है जिससे हर कोई इसे ले सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में ही, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई संख्याएं अनुपात में दे रखी होती है ना, तो आपको इजीली इनके साथ एक्स से मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि संख्याएं मान लीजिए 2x और 3x है, उनका योगफल 125 है, यानी कि 2x और यदि 3x को ऐड करेंगे या फिर योग करेंगे तो 125 आएगा। जब आप टोटल एक्स की कैलकुलेट करते हैं तो 5x होता है, और 5x इक्वल है आपके 125 के। जब आप एक्स की इधर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके आएगा 25, यानी कि एक्स की वैल्यू आपके 25 है। तो आपने पहली संख्या मानी है 2x, वो हो जाएगी आपके 50, और तीसरी दूसरी संख्या आपने मानी है 3x, यानी कि 3 की आप x यानी कि 25 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 75। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 50 और 75 वो दो संख्याएं हैं जिनको 2:3 में डिवाइड किया गया है, और यदि इनको ऐड करते हैं तो आपके 125 आएगा। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, इन्हीं ऑप्शन से आप इनका आंसर कर सकते हैं। किस प्रकार से देखिए, यहां आपके दे रखा है जो संख्याएं, उनमें आपको चारों ऑप्शन को ऐड करना है। क्या उनका योगफल 125 होता है या फिर नहीं, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यदि आप 50 और 75 को ऐड करते हैं 125 आएगा, लेकिन 20 और 30 से आपके केवल 50 हो रहे हैं, 125 नहीं। इसी प्रकार से आप इसको भी ऐड कर लीजिए, 40 और 20 60, और ये आपके 40 110 होंगे। यानी कि राइट आंसर आपका ये होगा। आप बिना कैलकुलेट करे भी ऑप्शन से राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसे आप ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात आपको 5:1 दे रखा है। एक यानी कि दो संख्याएं हैं, यदि उनको ऐड करते हैं तो 5 आएगा, और यदि उनका अंतर यानी कि दोनों को माइनस करते हैं तो आपके 1 आएगा। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच आपको अनुपात निकालना है। तो आप अपनी तरफ से संख्याएं मान सकते हैं जिनको जोड़ने पर 5 और घटाने पर 1 आता है। तो चलिए हम संख्या मान लेते हैं 3 और 2, क्योंकि यदि आप 3 और 2 को ऐड करते हैं तो आपके 5 आएगा, और 3 माइनस 2 करने पर आपके 1 आएगा। तो जैसा कि आपको समीकरण में दे रखा है इस प्रकार से आप मान सकते हैं। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात, बड़ी संख्या आपकी 3 है और छोटी संख्या 2 है, तो अनुपात आपका बनेगा 3:2। इजीली आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आई होप आप सभी ने इसका आंसर करके कमेंट भी कर दिया होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका योगफल 1331 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दे तो आपको जो अनुपात दे रखा होता है उनसे x की मल्टीप्लाई कर देनी है। यानी कि संख्याएं आपके 4x और 7x हैं। यदि हमें छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि जो 4x है उसमें x की वैल्यू निकालनी है,
इनका योगफल दे रखा है यानी कि 4x और यदि हम 7x को ऐड करते हैं तो आपके 1331 आएगा। यदि आप कहते हैं यहाँ 7 और 4 11x हो जाते हैं और x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ 11 से डिवाइड करना है। जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके सामने वैल्यू आती है वो 121 आएगी। यदि आपको छोटी संख्या की कहे तो छोटी संख्या आपने 4x मानी है, 4 से 11 इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और यदि आपको बड़ी संख्या की कहे तो आप 7 से कर सकते हैं। यहाँ छोटी संख्या की है, हमने छोटी संख्या से इसे मल्टीप्लाई कर दिया तो आप इजीली निकाल सकते हैं 484 इसका राइट आंसर है। जैसा मैंने आपको बताया है आप अपनी नोटबुक में उस प्रकार से करके इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो आपके दो सब्जेक्ट में आ सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन को आपके जनरल अवेयरनेस के टॉपिक में भी शामिल कर सकता है और दूसरा रीजनिंग के पोर्शन में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। यूपीपीसीएल TG2 के 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया प्रश्न है, मेघालय शिलोंग है और सिक्किम बताइए। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा शब्द निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या किया है, मेघालय की राजधानी लिखी है शिलोंग तो आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह लिखनी है सिक्किम की राजधानी जो गंगटोक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि आपको राज्य और राजधानियों के नाम याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, सिक्किम की आपके गंगटोक है। DRDO एंड UPPCL TG2 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि UPPCL TG2 ने 2021 के प्रश्न में दो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए थे, एक तो आपको दी थी असम की प्रशासनिक राजधानी तो आप इजीली कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, आप जाकर पार्ट वन को जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपको दिया है जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, सेकंड शेड्यूल में आपके भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते की बात की गई है, ये आपके राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है जैसा कि आप ऑप्शन से देख पा रही हैं, ए एंड द आर्टिकल यूज करना है। यदि आपको लगता है कि इसमें कोई भी आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है यानी कि जीरो आर्टिकल आएगा तो आप ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, हैव यू एवर सेल्ड ऑन शिप, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको आर्टिकल फिल करने से पहले जो खाली जगह दे रखी होती है उसके बाद वाला वर्ड देखना है। द आर्टिकल तब यूज किया जाता है जब किसी विशेष की बात की जा रही हो, जैसे किसी विशेष बुक जैसे रामायण महाभारत, इस प्रकार से गंगा गोदावरी किसी नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल आता है, आप सभी को पता है। यहाँ अब यूज करना है वो होगा ए या फिर एन आर्टिकल में से, तो सिप आपको पता है जहाज होती है और आप इसे रीड करेंगे सिप, तो हिंदी में जो व्यंजन होता है उससे पहले आपके ए आर्टिकल यूज होता है तो आपको ए लगाना है। यदि आपके हिंदी में इसे ऑनेस्ट को पढ़िए, ये जो आपका लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट और ऑनेस्ट में ए आ रहा है ओ ये वाला ऑनेस्ट में, तो वो आपके हिंदी का स्वर है तो उससे पहले एन आर्टिकल यूज किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आप इंग्लिश में बेसिक से कमजोर हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल का, जो आपका ऑफिशियल ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको जनरल इंग्लिश का एक पेड कोर्स मिल जाएगा जिससे आप इंग्लिश की बेसिक से तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट नंबर विल कम इन प्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। कहा गया है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा, तो आपकी संख्याएं दे रखी है 11 13 19 फिर 31 51 81 क्वेश्चन मार्क और 179 ये आपको संख्याएं दे रखी है, तो इस प्रकार से मैंने संख्याएं लिख ली है। आपको पता है 11 13 19 आपको इस प्रकार की श्रृंखलाओं के लिए क्या करना होता है, इनका अंतर देखना है। जब आप कहेंगे कि 11 और 13 में 2 का अंतर है, फिर आपके 6 का अंतर आया है यानी कि 13 और 19 के बीच, 19 और 31 के बीच कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 12 का अंतर है। इसे मैं अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आप इजीली समझ पाएं। और फिर आपके 20 का अंतर आया है, इसी प्रकार से 51 और 31 में आपके 30 का अंतर आया है, यानी कि आपके सिमिलर अंतर नहीं है लेकिन जो अंतर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है,
यानी कि पहला अंतर दो है, फिर आपके हैं छः, यानी कि कितना बड़ा, तो आप कहेंगे दोनों के बीच चार का अंतर है, यानी कि इनके बीच भी अंतर निकाल सकते हैं आप। जब छः से 12 बड़ा, यानी कि छः का अंतर है, फिर आपके आठ का, और ये फिर बाद में यहाँ तक 30 में 10 का अंतर है। तो आगे जो अंतर आएगा वो 12 का आएगा। 30 और 12 आप ऐड कर दीजिए 42, और 42 को 81 में ऐड करेंगे आप इजीली निकाल सकते हैं 123। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ ताकि इजीली आप समझ पाए। इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक ध्यान से कि संख्याएं हैं 11, फिर 13, 11 13 यानी कि दो आपके बीच में गैप है, फिर 19 है यानी कि 6 का गैप है, फिर आपके 31 है यानी कि कितने का गैप है, तो आप कहेंगे 12 का, और फिर 51 है यानी कि आपके 20 का गैप है, और फिर आपके 81 यानी कि 30 का गैप है, यानी कि इनके अंतर भी हम अंतर निकालते हैं तो 4, फिर 6, 8 और 10। तो आगे वाला जो इनके बीच में अंतर आएगा वो आएगा 12 का, क्योंकि 4, 6, 8, 10, तो आगे आएगा आपके 12 का अंतर। 30 में जब 12 ऐड करते हैं तो 42, और 42 में ये वाला ऐड कीजिए 123, आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो आगे क्वेश्चन है वो आपके जनरल अवेयरनेस टॉपिक से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहा? तो आपको जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको भारत के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की लिस्ट याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर के कौन हैं। इजीली आप इसका आंसर कर सकते हैं। यहाँ जो आपको राइट आंसर दे रखा है वो है प्रतिभा पाटिल, जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएलटी G2 में पूछा गया है, और आंसर भी उन्हीं की ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। दूसरा है, लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आगे जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान या फिर पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। यामिनी वंश, इलबरी वंश और गुलाम वंश के संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, और अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है, जो कुतुब मीनार के पास स्थित है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ आपके 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसमें कहा गया है आपको सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आई फिर माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड ऑन मी, या फिर इस प्रकार के सेंटेंस में आपको आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, और यदि आपकी इंग्लिश बेसिक से कमजोर है तो आप वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल से जनरल इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसमें कहा गया है बिफोर, तो मैंने आपको बताया है कि बिफोर से पहले आती है हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, और बिफोर के बाद आती है वर्ब की दूसरी फॉर्म। तो आपको वर्ब की दूसरी फॉर्म दे रखी है, हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर द बॉस कॉल्ड मी, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इस प्रकार के सेंटेंस करने के लिए आपका वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही दे रखा है, बाउंड्री की स्पेलिंग, आपको सही स्पेलिंग पहचान करनी है कि कौन सी गलत है। तो इसमें आप सभी देख सकते हैं, इजीली पहचान कर सकते हैं कि बाउंड्री की स्पेलिंग कौन सी सही है। ड्यूरिंग द महाजनपद ईरा द कैपिटल ऑफ वजीस वाज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिया गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करूंगा। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल TG2 में पूछा गया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। महाजनपद के काल में वजीस की कैपिटल निम्न में से कौन सी सिटी थी? तो वजीस महाजनपद की कौन सी आपकी कैपिटल यानी कि राजधानी थी? तो वैशाली इसकी राइट आंसर है, कि वैशाली वजीस राज्य की राजधानी थी या वजीस महाजनपद की राजधानी थी, याद कर लीजिए। पटना, मगध, पाटलिपुत्र, ये आप सभी को याद होगा।
निम्न में से कौन से प्राचीन काल में प्लास्टिक सर्जरी में अपनी विशेषज्ञता के कारण जाना जाता था? तो इस आंसर को आप इजीली याद कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? तो सुश्रुत है जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी सुश्रुत संहिता। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। सुश्रुत संहिता पुस्तक के लेखक भी सुश्रुत है, और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जनक के नाम से जाना जाता है। अल बिरूनी ने किस भाषा में अपनी किताब किताब उल हिंद लिखी है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीपीसीएलटी जीटू ने 2021 में पूछा था, तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप जरूर याद कर लीजिए, कौन सा प्रत्यक्ष उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनियमितता प्रदान करता है, और इसके लिए आवश्यक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आप याद कर लीजिए, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है, यानी कि अब भी जो नोट छप रहे हैं उन पे साइन किसके हैं या फिर हस्ताक्षर किसके हैं, तो शक्तिकांत दास इसका राइट आंसर रहेगा, आरबीआई के गवर्नर है। नॉन टेक की बुक के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आपको बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा देश ब्रिक्स 2021 की मेजबानी करेगा? ये 2021 के यूपीपीसीएल में पूछा गया है, लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिक्स 2021 की बैठक किसने की या मेजबानी किसने की? तो 2021 की ब्रिक्स की है भारत ने, और 2022 की चीन। दोनों आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इसलिए शामिल किया गया है ताकि आपको 2022 का बता पाएं। 2022 का चीन और 2021 का भारत ने मेजबानी की है। ब्रिक्स में कौन सा शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स मुद्रा में जो रह से शुरू होती है वो सारी मुद्राएं शामिल है, जैसे रुपया, रोनाल्ड, रूबी, ये सारी ब्रिक्स देशों की मुद्राएं हैं। पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बुक डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, साथ ही सारे पार्ट्स एक साथ देख लीजिए जिसमें हमने 500+ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाए हैं।